नताशा और आराध्या शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। नताशा अलग अलग तरह की ड्रेसेस ट्राई कर रही थी और वहीं आराध्या एक सोफे पर आराम से बैठकर अपने फोन को चला रही थी। नताशा जितनी भी बार आराध्या से पूछती, आरू ये ड्रेस कैसी लग रही है, तो आराध्या उसकी तरफ देखती और बोलती, अच्छी लग रही है। इसी तरह से नताशा ने कितनी ही ड्रेसेस उसे दिखाई होंगी और आराध्या ने हर बार यही बोला। इस बार नताशा ने एक न्यूज़पेपर को अपने ऊपर लगा लिया और बोली, अब बता मैं कैसी लग रही हूँ। आराध्या ने एक बार देखा और बोली, अच्छी लग रही हो। इतना बोलकर वो फिर से अपने फोन में देखने लगी। ये देखकर नताशा को गुस्सा आ गया और वो आराध्या से उसका फोन छीनते हुए बोली, आरू यार ये क्या बात होती है, मैंने तुझे कितनी ही ड्रेस दिखा दी पर तूने हर बार यही बोला कि अच्छी लग रही है। अब मैंने तुझे न्यूज़पेपर लगा के दिखाया तो वो भी तुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर आराध्या को ध्यान आया कि वो इतनी देर से नताशा को बेवकूफ बना रही है और ये बात नताशा को पता चल गई है। फिर आराध्या ने नताशा की तरफ देखा और बोली, ताशु हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हमें यहां मत लाओ, हमारा मन नहीं था यहां आने का, लेकिन तुम फिर भी हमें यहां ले आई। तो इस पर नताशा बोलती है, आरू यार तू जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक तेरा माइंड फ्रेश नहीं होगा, फिर तू खुश कैसे रहेगी। तो इस पर आराध्या बोलती है, हम ठीक है ताशु। फिर आराध्या कुछ सोचते हुए बोलती है, ताशु हम क्या सोच रहे थे, हम थोड़े दिनों के लिए बाबा के पास चले जाते हैं जब तक तुम सब ट्रिप पर होकर आती हो। तो इस पर नताशा गुस्सा होते हुए बोलती है, आरू मैंने तुझे कहा है ना कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो इस पर आराध्या बोलती है, ताशु हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, बात समझने की कोशिश करो, हम रुद्राक्ष सर को नहीं देखना चाहते हैं, इस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त हमारे लिए क्या सही है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सब चीजों को सोचने का, और इस तरह से अगर हम उनके सामने जाएंगे तो हम फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे ताशु। आराध्या की बात को सुनकर नताशा बोलती है, कंफ्यूज होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है आरू, सब एकदम साफ है, सर तुझे बहुत प्यार करते हैं और तू भी उनसे प्यार करती है, बस तुम्हारे बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियां हैं जो इस ट्रिप पर तुम दोनों खत्म कर लेना आपस में एक दूसरे से बात करके। इस पर आराध्या बोलती है, पर ताशु। तो इस पर नताशा उसे चुप कराते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं, अब तू मेरी बात सुन, तू ट्रिप पर चल रही है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो नताशा की इस बात पर आराध्या चुप हो जाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन हमें कोई शॉपिंग नहीं करनी है, हमारे पास जो है हम वही ले चलेंगे। तो इस पर नताशा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तू शॉपिंग करेगी और मैं करवाऊंगी, चल यहां से, तूने बहुत दिमाग खराब कर लिया मेरा, अब जल्दी से शॉपिंग करते हैं फिर घर चलेंगे। फिर उन दोनों ने शॉपिंग करी और दोनों घर चली गईं। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में रात का वक्त, सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आ रहे थे, तभी बंदरों की टोली भी जाकर वहां पर बैठ गई। जैसे ही वो लोग वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि काव्या के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। ये देखकर अंश हैरान होते हुए काव्या से बोला, कौन बदकिस्मत है जो तुमसे टकरा गया। ये सुनकर काव्या गुस्से में अंश को घूरते हुए बोलती है, शुक्र मनाओ तुम नहीं टकराए, वरना तुम्हारा क्या होता। काव्या के मुंह से अंश के लिए ये बात सुनकर अन्या को गुस्सा आ गया और वो बोली, जुबान संभाल कर बोलो काव्या, वरना मुझे जुबान खींचकर गले में लपेटना भी आता है। काव्या को अन्या की बात सुनकर गुस्सा आ गया और अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच को वो जोर से मरोड़ने लगी, इससे पहले कि वो अन्या को कोई जवाब दे पाती। तभी वहां पर सब डिनर करने के लिए आ गए। सबके आते ही वो सब डिनर करने के लिए बैठ गए। तभी दिग्विजय जी ने बंदरों की टोली से पूछा, कैसे हैं आप सब, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है आप सबका। तो इस पर सब खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा चल रहा है दादाजी, और हमें नई नई चीजें सीखने को भी मिल रही हैं। वैसे तो भाई से डर लगता है कि वो कभी भी कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन मिहिर भाई के साथ और निर्वाण भाई के साथ काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि काम कब खत्म हो जाता है। तभी नविया नैतिक को इशारा करते हुए बोलती है,
अभी टाइम है, दादाजी को बता दो कि कल हमें ट्रिप पर जाना है, क्योंकि कल के कल बोलेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। तो इस पर नैतिक अंश को इशारा करता है। तो अंश पहले तो नमे सर हिला देता है, लेकिन जब वो सब उसे आंखें दिखाते हैं तो वो हिम्मत करते हुए बोलता है, दादाजी वो आपको तो पता ही है कि वाणी और माही का जन्मदिन है अगले दो दिन में। तो मिहिर भाई हम सबको, मतलब हमें और रुद्र भाई को और निर्वाण भाई को और उनकी बहनों को, सबको ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं कल 3-4 दिन के लिए, क्या हम सब चले जाएं? तो इस पर दिग्विजय जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं जाइए, और अच्छे से एंजॉय करके आना। अंश की बात सुनकर देवयानी जी एकदम से बोलती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सब घूम कर आइए और काव्या को भी अपने साथ ले जाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। देवयानी जी की ये बात सुनकर उन सबका मुंह बन जाता है, क्योंकि उनमें से कोई भी काव्या को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, और ये बात काव्या भी नोटिस कर लेती है। फिर वो देवयानी जी की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं दादी हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं ठीक हैं। तो इस पर देवयानी जी जोर देते हुए बोलती हैं, पर काव्या बेटा आपको अच्छा लगेगा, आपको जाना चाहिए सबके साथ। तो इस पर काव्या बोलती है, नहीं दादी हमारा मन नहीं है। तो इस पर देवयानी जी बोलती हैं, चलिए ठीक है जैसा आपको सही लगे। ये जानकार कि काव्या उनके साथ नहीं जा रही है, बंदरों की टोली एक चैन की सांस लेती है। नव्या अपने सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से बोलती है, थैंक गॉड कि ये चुड़ैल हमारे साथ नहीं जा रही है, वरना अगर ये हमारे साथ जाती तो हमारे सारे प्लेन पर पानी फिर जाता। तो इस पर अंश बोलता है, अगर ये जबरदस्ती हमारे साथ चल भी पड़ती ना तो मैं इसे वही रास्ते में कहीं पर फेंक देता, अभी तो हाथ ही टूटा है, फिर तो सारे हाथ पैर सब टूट जाते। अंश की बात सुनकर वो सब धीरे धीरे हंसने लगते हैं, और उन सबको खुद पर हंसता हुआ देखकर काव्या अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही होती है। वो मन में ही खुद से बोलती है, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि तुम सबकी खुशियां थोड़े ही वक्त के लिए है, मैंने अपने पांसे फेंक दिए हैं और बिल्कुल सही जगह फेंके हैं, बस तुम सबका उनमें फंसना बाकी है, देखते जाओ। और इतना बोलकर वो जोर से चम्मच को अपने हाथ में मरोड़ने लग जाती है। अगला दिन खुराना मैंशन, बंदरों की टोली कार में अपना सामान रखते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी वहां पर मिहिर भी अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। उसके आते ही वाणी और माही कार से नीचे उतरती है, और साथ में सुजाता जी को भी ध्यान से कार से उतर आती है। तभी देवयानी जी भी बाहर आते हुए सुजाता जी को आवाज लगाती हैं, अरे सुजाता तुम आ गई, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस पर सुजाता जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ अब बच्चे तो जा रहे हैं अपना घूमने के लिए, तो हम घर पर अकेले क्या करते, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़े दिन तुम्हारे पास ही रह लेंगे। तो इस पर देवयानी जी खुश होते हुए बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, बच्चों को करने दो अपने मजे, हम दोनों यहाँ अपने मजे करेंगे। और इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगी। वहीं सब उनको खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे, तभी पीछे से काव्या अपने बैग के साथ बाहर आती हुई नजर आई। तो काव्या को उसके बैग के साथ देखकर वो सब घबरा गए। अंश अपने मन में ही बोला, कहीं ये चुड़ैल हमारे साथ सच में तो नहीं चल रही है। अन्य ने जब काव्या को बैग के साथ देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, मैं आज इसका खून कर दूंगी अगर ये आज हमारे साथ गई। तो इस पर नव्या भी अपने हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए बोलती है, अगर ये हमारे साथ आई तो ये आज मुझसे बहुत मार खाएगी। इससे पहले कि वो लोग कुछ और समझ पाते, तभी मिहू ने काव्या को देखते हुए कहा, काव्या तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तो इस पर काव्या ने मिहिर से कहा, मिहिर वो मैं थोड़े दिनों के लिए नैनीताल जा रही हूँ, माँ के पास सोचा कि उनके हाल ले आऊं और उनसे मिल भी आऊं, उनकी याद आ रही थी। काव्या के मुंह से ये सुनकर उन सब ने एक चैन की सांस ली, और अन्य बोली, हाँ जल्दी जाओ तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए, नैनीताल पहुंचने में वक्त भी तो लगता है, टाइम से निकालोगी तभी तो टाइम से पहुंच पाओगी। अन्य कि इस बात को सुनकर काव्या ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली, लेकिन मुस्कुराते हुए उससे बोली, मेरे लिए तुमने इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अन्य, लेकिन मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तभी उसने देवयानी जी की तरफ देखा और उन्हें नमस्ते बोलती हुई कार में बैठकर वहां से चली गई। वहीं वो सब भी देवयानी जी, विधि जी एंड
सुजाता जी से मिलकर निर्वाण के घर के लिए निकल गए। काव्या ने ड्राइवर से कहा, आप मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए, मैं वहां से बस ले लूंगी और नैनीताल चली जाऊंगी। तो इस पर ड्राइवर बोलता है, नहीं नहीं काव्या बिटिया, हमसे बड़ी मालकिन ने कहा है कि हम आपको नैनीताल आपके घर तक छोड़कर आए। ड्राइवर की इस बात को सुनकर काव्या चिढ़ गई, लेकिन अपने गुस्से को शांत करते हुए वो बोली, देखिए अंकल, हम खुद से चले जाएंगे बस में और हम दादी को समझा देंगे, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी। तो इस पर ड्राइवर बोलता है, पर काव्या बिटिया। तो इस पर काव्या जोर देते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, आप हमें बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। तो इस पर ड्राइवर उसको बस स्टैंड पर छोड़कर चला जाता है। वहीं काव्या जल्दी से ड्राइवर को जाता देख किसी को फोन लगाती है। तभी वहां पर थोड़ी देर में एक कार आकर काव्या के सामने रुकती है। काव्या उस कार का दरवाजा खोलकर जल्दी से उसके अंदर बैठ जाती है। वहां पर जो इंसान वो कार लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि रंगा था। काव्या ने उसे फोन में एक एड्रेस दिखाते हुए कहा, जल्दी इस एड्रेस पर चलो, क्योंकि वो पहले वहीं गए होंगे। काव्या को पता था कि सबसे पहले वो सब निर्वाण के घर पर ही जाएंगे, उसके बाद वो कनातल के लिए निकलेंगे। काव्या उन सबका कनातल तक पीछा करने वाली थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपना फोन निकालकर किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया तो काव्या बोली, माँ मैं बोल रही हूँ। तो इस पर मेनका बोलती है, हाँ काव्या बेटा बोलो। तो इस पर काव्या मेनका से कहती है, माँ मैं किसी जरूरी काम से देहरादून से बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैंने उस बुढ़िया को ये बहाना लगाया है कि मैं नैनीताल तुम्हारे पास आ रही हूँ, इसलिए उस बुढ़िया का या किसी और का तुम्हें फोन किसी भी वक्त आ सकता है। तो तुम्हें यही बोलना है कि तुम्हारी मुझसे बात हो गई है और मैंने नैनीताल की बस ले ली है आने के लिए। जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक तुम्हें यही झूठ बोलना है सबसे। तो इस पर मेनका बोलती है, ठीक है बेटा हो जाएगा, लेकिन जब तेरा काम पूरा हो जाएगा तो तू मुझे सब कुछ बताएगी। तो इस पर काव्या बोलती है, तुम फिक्र मत करो माँ, मेरा काम पूरा होते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इतना बोलकर वो फोन रख देती है। अब क्या होगा आगे? क्या काव्या रुद्राक्ष और आराध्या को अलग करने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तू इंतहा।